नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और मेरा यूट्यूब चैनल सूरज मैकेनिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लच पेडल दो तीन बार दबाने के बाद ऑटोमेटिक हार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये टाटा गाड़ियों में कॉमन प्रॉब्लम है, टाटा गाड़ी नहीं, टाटा अशोक लेलैंड सभी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम होता है। सो क्लच तीन चार बार कंटिन्यू पेडल करेंगे तो क्लच दबता ही नहीं, मतलब इस पोजिशन में होता है कि पूरा शरीर का ताकत लगाने से भी वो क्लच दबेगा ही नहीं। सो देख सकते हैं, आराम से दबेगा दो चार बार, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हार्ट होने लगेगा। फ्रेंड, कभी इस पोजीशन में आएगा कि पूरा शरीर का ताकत लगाने से भी क्लच दबेगा ही नहीं, फिर कुछ सेकंड छोड़ने के बाद फिर दबाने से फिर ऑटोमेटिक काम करेगा। सो ये प्रॉब्लम किस रीजन से होता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। सो वीडियो को देखते आगे तक। सो फ्रेंड्स, किस रीजन से ये प्रॉब्लम होता है उसी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं, ये जो क्लच सिलेंडर है ऑयल रिटर्न के हिसाब से होता है। फ्रेंड्स, जो क्लच सिलेंडर में ऑयल रिटर्न कितना क्विक आ रहा है, ऑयल रिटर्न के हिसाब से होता है। ये ब्रेक ऑयल का पाइप, मतलब समझ लीजिए ब्रेक ऑयल ज़्यादा गंदा हो गया हो, ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। ऊपर वाला मास्टर सिलेंडर तो उतना प्रॉब्लम नहीं देगा फ्रेंड्स, ऑयल ख़राब होने से ये प्रॉब्लम होता है नंबर वन पॉइंट। और पाइप कहीं से चिपटा हुआ होगा, कहीं से मुड़ा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेन कारण तो रहता है फ्रेंड्स इसका, जो ब्रेक ऑयल है ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, उसका चलते होता है प्रॉब्लम। और ब्रेक ऑयल भी सब कुछ चेंज कर लिया, सब कुछ ठीक है, उसका बाद फ्रेंड्स जो ऑल मॉडल वाला गाड़ी है उसमें क्लच प्रोक में ग्रीस नहीं है तो भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें तो न्यू मॉडल वाला है, इसमें ग्रीस मारने का सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स। और क्या होता है, कभी कभी इसका सर्वो मतलब जाम हो जाता है, प्रेशर प्लेट सर्वो को अंदर धकेल नहीं पाता है, तो सर्वो का हिसाब से भी हो सकता है वो प्रॉब्लम होगा। तो आपको सर्वो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सर्वो क्लच सर्वो एक बार खोल के वॉश करने से आपका वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ब्रेक ऑयल सही है, और ब्रेक ऑयल सही है, बाद में आप क्लच सर्वो को खोल के क्लीन कर देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये मेन प्रॉब्लम है ऑयल रिटर्न के लिए ये होता है फ्रेंड्स, वापसी ऑयल के लिए।